Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। हम पहले कहते थे ये गठबंधन का ना कोई नेता है ना नीति है और नियत में भी खोट है। और मेरा पूरा सवाल विपक्ष के लोगों से इंडी गठबंधन से है, क्या वो फर्जीवाल की गारंटियों से सहमत है? अरे ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे और भ्रष्टाचार के दलदल में पाए जाते हैं, जेल में पाए जाते हैं और अब बेल पे आकर बड़े बड़ी बातें करते हैं। जितनी फर्जी उनके पहले काम उतनी फर्जी उनकी अब की गारंटियां। पहले भी गारंटियां फेल हुई है और एक बार जेल से छूटने के बाद अंतरिम राहत पर अब लगता है कि नैया डूब चुकी है, चुनाव हारने की तैयारी है। तो जितनी मर्जी फर्जी घोषणाएं कर दो, लोगों को विश्वास नहीं, यहां तक कि उनके अपने गठबंधन के सहयोगियों को उनको भी विश्वास में नहीं लिया है। अभी तो सहयोगियों ने हां नहीं की। हम पहले कहते थे ये गठबंधन का ना कोई नेता है ना नीति है और नियत में भी खोट है। और मेरा पूरा सवाल विपक्ष के लोगों से इंडी गठबंधन से है, क्या वो फर्जीवाल की गारंटियों से सहमत है? जिन्होंने फर्जीवाड़ा पहले भी किया और पंजाब के लोग आज तक पूछते हैं कब होगी गारंटी पूरी। दिल्ली के लोग कहते हैं बड़े बड़े वायदे किए थे स्कूल बनाने के, यूनिवर्सिटी बनाने के, कॉलेज बनाने के, कुछ नहीं हुआ। यमुना जी को साफ करने का नहीं हुआ। अरे ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे और भ्रष्टाचार के दलदल में पाए जाते हैं, जेल में पाए जाते हैं और अब बेल पे आकर बड़े बड़ी बातें करते हैं। अरे कंडीशनल बेल मिली है लेकिन इतनी लंबी तो मत छोड़ो कि इकट्ठी करनी मुश्किल हो जाए, समेटनी मुश्किल हो जाए। पहले तीन चरणों में हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तैयारी जहां हो गई, अब चौथे चरण में वाले चौका लगाएंगे। मैं कहता हूं भारी मतदान करें, बड़ी संख्या में आए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वोट है। अमीर और गरीब का बराबर है, किसी जाति धर्म संप्रदाय का बराबर है, किसी क्षेत्र का भी बराबर है। तो आए मतदान करें।